चुनाव प्रचार करते हुए, वोटों की अपील करते हुए शक्ति रानी शर्मा को हम सुन रहे थे, देख रहे थे, हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन करते हुए वो आगे चल रही थी और अब पहुंच गई हैं कालका विधानसभा सीट के कालका मंदिर में, जहां कालका मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना करती हुई नजर आ रही हैं। राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा भी आपको तस्वीर में दिख रहे हैं, जो कि साथ में हैं। साथ ही साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा को भी आप तस्वीरों में देख रहे हैं। पूरा परिवार माँ कालका के मंदिर पहुंचा हुआ है, पूजा अर्चना की है, आशीर्वाद लिया है और आशीर्वाद लेने के बाद अब कालका मंदिर से बाहर की तरफ जाते हुए आप देख रहे हैं बीजेपी कैंडिडेट शक्ति रानी शर्मा, उनके पति पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा, साथ ही साथ बेटे राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा भी तस्वीरों में दिखाई दिए हमें। यहाँ शक्ति रानी शर्मा जो भक्त पहुंचे हुए थे मंदिर में, उन्हीं से बात करते हुए हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए और जाहिर सी बात है वोटों की अपील करते हुए नजर आ रही हैं। शक्ति रानी शर्मा एक अलग पहचान रखती हैं, अंबाला से पहली महिला जो कि मेयर के तौर पर चुनकर आई, जीती और फिर लोगों के लिए खूब काम किया और यही पहचान है बेदाग छवि की। ऐसी नेता जो लोगों के लिए काम करती हैं, उनके लिए आवाज़ उठाती हैं और इसीलिए बीजेपी ने भरोसा दिखाया है। कालका विधानसभा सीट से टिकट शक्ति रानी शर्मा को मिला है और अब कालका मंदिर के भीतर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर शक्ति रानी शर्मा जो कि मां की चुनरी ओढ़े हुए आपको नजर आ रही हैं, क्योंकि मां कालका का आशीर्वाद ले लिया है और अब मंदिर परिसर में मौजूद हैं अंदर और हाथ जोड़कर भगवान का आशीर्वाद लेते हुए पूजा पाठ करते हुए ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव माहौल पूरी तरह से गरमाया हुआ है और अलग अलग पार्टियों के जरिए हर संभव कोशिश हो रही है लोगों के बीच जाने की, अपनी पकड़ मजबूत करने की और ऐसे में शक्ति रानी शर्मा कालका मंदिर पहुंची। इससे पहले गाड़ी में सवार होकर कालका विधानसभा में रोड शो करती हुई, शक्ति प्रदर्शन करती हुई शक्ति रानी शर्मा की तस्वीरें भी हमने आप तक पहुँचाई। शक्ति रानी शर्मा जो कि मंदिर से अब बाहर की तरफ आ रही हैं, मां की चुनरी साथ में लिए हुए हैं और मां की चुनरी कहते हैं कि मां का आशीर्वाद है और मां के इस आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ रही हैं शक्ति रानी शर्मा। कालका मंदिर में पूजा पाठ के बाद अब आगे बढ़कर लोगों के बीच फिर से पहुंच रही हैं। विधानसभा इलेक्शन में बीजेपी हर तरीके से कोशिश कर रही है, कैंडिडेट्स की लिस्ट सामने रख चुकी है। ये वो तस्वीरें हैं जिनका मैं जिक्र कर रही थी थोड़ी देर पहले। शक्ति रानी शर्मा गाड़ी में सवार नजर आ रही थी, देखिए हाथ जोड़े हुए हैं, हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए शक्ति रानी शर्मा की ये तस्वीरें जो कालका विधानसभा में जगह जगह ये चुनाव प्रचार हो रहा है, वोटों की अपील हो रही है। साथ ही राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा भी उनके साथ मौजूद हैं। ये काफिला आगे बढ़ता हुआ लोगों के बीच जाता हुआ और अभी थोड़ी देर पहले, चंद सेकंड पहले माँ कालका का आशीर्वाद लिया है, कालका मंदिर भी पूरा परिवार पहुंचा। माँ के दरबार में शक्ति की आराधना करते हुए शक्ति रानी शर्मा, जाहिर सी बात है भगवान का आशीर्वाद हर कोई चाहता है, आशीर्वाद बना रहता है तो रास्ते आसान हो जाते हैं। साथ ही साथ जो जनता से साथ और विश्वास की अपील है वो लगातार हो रही है। राज्यसभा